Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज हम बनाएंगे एक पम्पकिन की स्वीट पूरी, इसे घारगा बोला जाता है। तो ये एक टिपिकल महाराष्ट्रियन क्विजीन है। तो पहले हम देख लेते हैं ये पूरी बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स बिगिन। ये घारगा या फिर पम्पकिन की पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप ग्रेटेड पम्पकिन, आधा कप गीला नारियल, आधा कप जैगरी या फिर गुड़, दो बड़े चम्मच शुगर, स्वाद अनुसार सॉल्ट, एक चम्मच सेमोलिना, एक चम्मच बेसन, 5 से 6 बड़े चम्मच राइस फ्लावर, 2 बड़े चम्मच व्हीट फ्लावर और 1 बड़ा चम्मच तेल। सॉस पैन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, ऑलमोस्ट 1 चम्मच तेल। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये पम्पकिन, नारियल, थोड़ा सा सॉल्ट, और 5 मिनट के लिए हम इस पम्पकिन को पकने के लिए रख देंगे। तो हमने अच्छे से पका लिया है, अब हम करेंगे स्टोव को ऑफ और इसी गरम पम्पकिन में हम डाल देंगे ये गुड़ एंड शुगर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे ही शुगर और ये गुड़ इसमें मेल्ट हो जाए के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा ये राइस का आटा और गेहूं का आटा। चम्मच सेमोलिना, थोड़ा सा बेसन, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें हम डाल देते हैं ये गेहूं का आटा और चावल का आटा और इसको हम मिक्स करेंगे। अभी हमें ये थोड़ा सा पतला लग रहा है तो हमें इसमें 2 चम्मच चावल का आटा मैं इसमें और थोड़ा ऐड करूंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये ज़्यादा गीला है तो आप इसमें और थोड़ा गेहूं का और चावल का आटा ऐड कीजिए। तो ऐसे डो तैयार होने के लिए मैंने इसमें टोटल 11 से 12 चम्मच चावल का आटा और 5 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स किया है। तो अब इसको हम अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। डो के मैंने छोटे छोटे बॉल बना के लिए हैं।
इसकी साइज आप आपके पसंद के हिसाब से रखिए। तो इसको हम अब पूरी की तरह बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे हाथ पे। ये मैंने पार्चमेंट पेपर यूज़ किया है, आप चाहे तो बनाना लीफ यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। और इसको आपको ऐसी इसे पूरी की तरह बना के हमें इसे अब फ्राई करना है। तो ऐसे दो तीन में बना के लेती हूँ, बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। कैन सी ये कैसे अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम पलट लेंगे। अब इसी तरह से हमें सब ये पूरी फ्राई करके लेनी है। सो ये घारगे जो है वो बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून विथ न्यू रेसिपी। टिल टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।